senior leaders of the Aam Aadmi Party came to visit us at the office, and we decided we'll meet the media together. And now he will say why he came to meet us. जैसा आप लोग जानते हैं कि दिल्ली के लोगों के अधिकार छीनने वाला जो मोदी सरकार ने अध्यादेश जारी किया, 8 साल की लड़ाई के बाद 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि भारत एक जनतंत्र है, जनतंत्र के अंदर चुनी हुई सरकार को जनता के काम करने के लिए पूरे अधिकार और शक्तियां होनी चाहिए। 2015 में मोदी सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके हमारी पावर्स छीन ली थी। जो पावर्स शीला दीक्षित जी के पास होती थी, वो पावर्स हमसे सारी छीन ली गई, सरकार को पंगू बना दिया गया। उसके बावजूद भी हमने काफ़ी काम किए, हम ही जानते हैं कैसे काम किए। लेकिन 8 साल की लड़ाई के बाद दिल्ली के लोगों को न्याय मिला सुप्रीम कोर्ट से। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और 8 दिन के अंदर ही 19 मई को मोदी सरकार ने अध्यादेश पारित करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ख़त्म कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया, कैंसिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। और मोदी सरकार ने कहा कि दिल्ली के लोगों को कोई अधिकार नहीं है। ये दिल्ली के लोगों के न केवल अधिकार छीने गए, बल्कि एक तरह से दिल्ली के लोगों को तमाचा मारा गया, दिल्ली के लोगों का अपमान किया गया कि तुम जो मर्जी सरकार चुन लो, उसको काम नहीं करने देंगे हम। ये मोदी सरकार का संदेश है दिल्ली के लोगों को, आप जो मर्जी सरकार चुनिए, हम आपको काम नहीं करने देंगे। ये अध्यादेश आया है और ये अध्यादेश अब बाद में मानसून सेशन में संसद में आएगा, तो संसद में जब आएगा तो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं है। 238 सदस्य हैं जिसमें 93 केवल बीजेपी के हैं, तो अगर सारी नॉन बीजेपी पार्टीज एक साथ आ जाएं तो इस अध्यादेश को गिराया जा सकता है। तो इसीलिए आप लोग देख रहे हैं कि मैं एक एक पार्टी अध्यक्ष से जाके मिल रहा हूँ और उनकी हम सपोर्ट मांग रहे हैं कि जब ये संसद में बिल आए तो वो दिल्ली के लोगों के साथ खड़े हों, दिल्ली के लोगों को न्याय दिलाएं। दिल्ली के लोगों के साथ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, दिल्ली के लोगों का बहुत बड़ा धोखा हुआ है दिल्ली के लोगों के साथ। तो इसी सिलसिले में मैं ममता बनर्जी से, मैडम से मिलने गया था, उन्होंने सपोर्ट जाहिर किया। ठाकरे साहब से मिलने गया था, उन्होंने सपोर्ट जाहिर किया। NCP से मिलने गया था, उन्होंने सपोर्ट जाहिर किया। KCR साहब से मिलने गया था, उन्होंने सपोर्ट जाहिर किया। उसी सिलसिले में आज मैं सीताराम येचुरी जी से, उनकी टीम से और CPM पार्टी से सपोर्ट मांगने के लिए आया कि इस राज्यसभा में आप हमें सपोर्ट कीजिए। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर कि आपने आप अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से दिल्ली के लोगों के साथ खड़े होने का आपने निर्णय लिया, हमें सपोर्ट दिया। और आज आपके दफ्तर में जब हम आए, आपने इतना मान सम्मान दिया, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। और थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप और आपकी टीम हमारे दफ्तर आए। और जहाँ तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का सवाल है, 19 मई को ये अध्यादेश जारी किया मोदी सरकार ने, 20 मई को हमने इसका पूर्ण खंडन किया। हमने कहा ये हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था और जनतंत्र के खिलाफ, और एक तरह से देखें ये कंटेंट ऑफ कोर्ट भी बनता है कि कोर्ट ने इस तरीके से वर्डिक्ट दिया और उसको आप रिवर्स कर रहे हो कि ऑर्डिनेंस के थ्रू। बुनियादी जो स्तंभ है हमारे संविधान के, उनमें से एक है फेडरलिज्म, यानी केंद्र और राज्य की सरकार के बीच में। अब सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो रिलेशंस है, उसको तो पूरा टोटली उल्लंघन करते हुए डिस्ट्रॉय कर रहा है ये मोदी सरकार। अब स्टेट्स के अधिकारों के ऊपर बहुत हमले हो रहे हैं, बहुत तरीके के हमले हो रहे हैं, और उनमें से ये एक बहुत ही ब्रेजन तरीके से, जिस तरीके से ये ऑर्डिनेंस लिया गया, ये हमारे संविधान का उल्लंघन है। हम उस हिसाब से इसका पूरा का पूरा विरोध करते हैं, खंडन किया है, और राज्यसभा में या कहीं पर भी जब मौका मिलेगा इसके ऊपर वोट डालने की, हम इसका विरोध में डालेंगे CPI। ये हम प्रतिबद्ध हैं। हमारी अपील है बाकी सब पार्टियों से, यहाँ पे सवाल पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में नहीं है,
ये सीपीएम या आप या कांग्रेस या आरजेडी, मतलब सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि देश का संविधान, संवैधानिक व्यवस्था, उसके ऊपर जो हमले हो रहे हैं उससे डटकर मुकाबला अगर नहीं करेंगे तो एक तानाशाही व्यवस्था ही नहीं लेकिन हमारे देश के अंदर उससे भी बुरा एक फांसीवादी रुझान के साथ ये देश को चलाने की जो कोशिश है वो खतरा सामने आएगा। तो इसलिए हमारी अपील सबसे है और ख़ास तौर से उन पार्टियों में जिन्होंने अभी तक इसका खंडन नहीं किया, उन पार्टियों से है कि आप समझ लीजिए आज दिल्ली सरकार के साथ हो सकती है, कल को हो सकता है केरल की सरकार हो, जहाँ पर हमारी सरकार है, अब राजस्थान या बाकी जगह पर जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल प्रदेश, या आपके रीजनल पार्टीज की सरकारें जो है उड़ीसा में, आंध्रा में और तेलंगाना में या तमिलनाडु में, इन सब के लिए ये एक खतरा है कि जो भी विपक्षी पार्टी का सरकार है उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है ये मोदी सरकार, इसको रोकना है। तो हमारी अपील सबसे है, खासतौर से बड़ी, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस, कि आप आइए यहाँ पर सब मिलकर हम जो है संविधान की रक्षा करें, और जो इस संविधान को उल्लंघन की बात छोड़िए, इस संविधान के ऊपर हमला कर रहे हैं इस तरीके से, उनके खिलाफ जुटकर मुकाबला करें। यह है मेन मुद्दा और यहाँ पर हमारी पूर्ण सहमति केजरीवाल साहब से, उनकी सरकार से और इस अधिवेशन के खिलाफ उनकी लड़ाई में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की पूर्ण सहमति है। सीएम साहब, आप तो कांग्रेस से कह रहे थे समय मांगने जाएंगे, उनके यहाँ जब चर्चा हुई दिल्ली के नेताओं को बुलाया गया तो कई लोगों ने विरोध किया कि ना तो आपके साथ गठबंधन हो ना इस अध्यादेश पर सपोर्ट हो, अब महासचिव कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस को आना चाहिए, आपको लग रहा है कहीं इस मंजिल की स्थिति बनी गई है? देखिए, मैं जो अखबारों में पढ़ रहा हूँ और उनके बयान सुन रहा हूँ, वो बता रहे हैं केजरीवाल को सपोर्ट नहीं करेंगे, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। ये मुद्दा केजरीवाल का नहीं है, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, ये मुद्दा देश के जनतंत्र का है, दिल्ली के लोगों का जो अपमान हुआ है ये मुद्दा उसका है, संविधान का है। मेरी उनसे निवेदन है कि केजरीवाल को छोड़ दीजिए, केजरीवाल को सपोर्ट मत कीजिए, लेकिन मोदी सरकार ने जो दिल्ली के लोगों का अपमान किया, दिल्ली के लोगों की सारी शक्ति छीन ली, तो दिल्ली के लोगों के साथ खड़े हुई है। आज इन्होंने दिल्ली के साथ किया है, जैसा अभी येचुरी साहब ने कहा, कल को अगर ये राजस्थान सरकार के साथ खड़े होते हैं किसके, राजस्थान के खिलाफ ऐसा ऑर्डिनेंस पास करते हैं तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। हम ये नहीं कहेंगे ये कांग्रेस का मामला है कि बीजेपी का मामला है, ये देश का मामला है, तो हमें देश के साथ खड़े होना है। तो उन्हें यही तय करना है कि वो मोदी जी के साथ खड़े हैं कि जनता के साथ खड़े हैं। मेरे साथ सपोर्ट करने की बात नहीं है, जनता के हकों को छीना जा रहा है, संविधान को रौंदा जा रहा है, ऐसे में तो पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को, सारी पार्टियों को साथ आके और इसका जम के विरोध करना चाहिए। अभी एक्चुअली छुट्टियां हैं, इसीलिए उन्होंने देखो बदमाशी की, 11 मई को ऑर्डिनेंस आया, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, इन्होंने ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी 11 मई से शुरू कर दी थी, अंदर हरकतें चल रही थी, लेकिन 19 मई को शाम को 5 बजे जैसे ही सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पे गया, रात को 10 बजे ऑर्डिनेंस ले आए। इनके दिल में काला है, इन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये टिकेगा नहीं, तो ये एक महीना इन्होंने बर्बाद किया। तो अब ये ऑर्डिनेंस को इन्होंने, एक तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हम करेंगे ही करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जैसे ही खुलेगा हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन जब ये राज्यसभा में आए तो सारी पार्टियों को मिलकर एक संदेश देना चाहिए कि हम चाहे किसी भी पार्टी से हो, इस पार्टी से हो या उस पार्टी, देश सुप्रीम है, और जब देश की बात आएगी, जब संविधान की बात आएगी, जब जनतंत्र की बात आएगी, तो कोई पार्टी अलग नहीं है, हम सारी पार्टियां मिलकर इसका विरोध करेंगे। वो हम लोगों ने देखा, बहुत 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 दर्दनाक हादसा है, और मतलब वो देखा नहीं जाता, जिस तरह से चाकू गोद गोद के और उसके बाद पत्थर से उस बच्ची का सर फोड़ दिया गया, तो उसकी जितने भी कठोर से कठोर शब्दों में निंदा की जाए, और हम समझते हैं वो लड़का पकड़ा गया है, उसको
कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए दिल्ली सरकार जो है कोर्ट के अंदर बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेगी। और लेकिन ओवरऑल दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेके हम काफ़ी चिंतित हैं, और हम एलजी साहब से निवेदन करेंगे कि हमारे काम हमें कर लेने दीजिए, आप अपने काम कीजिए। आपको संविधान ने जो काम दिए हुए हैं वो काम आप करें, हमें जो संविधान ने काम दिए हुए हैं हम करें, तो ज़्यादा शोभा भी होगी और ठीक भी रहेगा। अभी आतिशी जी जा रही हैं उनकी फैमिली से मिलने के लिए, और उस बच्ची के लिए 10 लाख रुपए हम उनके परिवार को मुआवजा भी देंगे, और उनके परिवार को आश्वासन देते हैं कि उसको कठोर से कठोर सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। सर, इसका धरने पर बैठे थे। अरे यार, यहाँ पर जिस सवाल पे हम आए हैं उसके बारे में पूछो। अब दुनिया के सब इश्यूज के अब तुर्की में एर्दोगन जीत गया, टिप्पणी मांगो आप, क्यों मतलब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।